भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने गुरुवार को बेतिहाता स्थित आवास पर गुरुवार को भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अपने मन की बात को लिखकर प्रधानमंत्री को एक संदेश भेजा। कार्यक्रम के तहत पार्टी के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात और अपना मोबाइल नंबर लिखकर एक बॉक्स में डाला जो प्रधानमंत्री तक जाएगा। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री कामेश्वर सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, देवेंद्र पाल, जितेंद्र वर्मा, ऋषि तिवारी, अजय श्रीवास्तव सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गौरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, अंदर रूम में मैं मैंने आप कहे दूसरे काम में वही 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 बिल्कुल बोलेंगे क्यों नहीं हुआ। 2019 में 2019 में मंत्री डालिएगा नहीं बोले भी जी को भेज रहा हूँ सुझाव, वो आप लोगों के लिए अधिक उपयोगी है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। मन की बात का वाहन यहाँ से हम लोगों ने रवाना किया है, स्टिकर लगाया है, झंडा लगाया, मन की बात को रवाना किया है। और मोदी जी के मन की बात पूरे वर्ष लोग सुनते चले आ रहे हैं और उससे लोग मोदी जी भी लोगों के विचारों को ही अपने मन की बात में कहते हैं, उद्धृत भी करते हैं। आज पूरा देश मोदी जी को मन से मान चुका है कि हमारा अगला प्रधानमंत्री भी 2019 में नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे, तभी हमारे देश का विकास होगा। इस नाते हम लोग भी अपने मन की बात को उद्धृत करते हुए उस पेटी में डाल करके विचार दिए।